अगर स्टीव जॉब्स ने ये गलती नहीं की होती तो वो आज भी जिंदा होते। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। अगर स्टीव जॉब्स अपने डॉक्टर की बात को सीरियसली ले लेते तो उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। शायद इसीलिए बीमारी बाद में नासूर बन गई और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पाए और इसीलिए स्टीव जॉब्स का निधन 56 साल की उम्र में हो गया। आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर, मतलब जो हिस्सा हमारे शरीर में खाना पचाने का काम करता है उसी में कैंसर हो जाता है, लेकिन इसकी बहुत सी स्टेजेस होती हैं। अगर स्टीव पहले स्टेज में इसका इलाज करवा लेते तो आज वो जिंदा होते और हमको बहुत से नए नए गैजेट्स देखने को मिलते। धूम्रपान और रेड मीट यानी चर्बी युक्त आहार का खाना इसका मेन कारण है जिससे पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान कामका को अभी सब्सक्राइब करें।